ऋषिकेश विधानसभा सीट पर पिछले 15 सालों से विधायक और 5 सालों से विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल ने चौथी बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने 19,000 मतों से अपने प्रतिद्वंदियों को हार का मुंह दिखाया है। उनकी इस जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल ने शहर में विजय रैली निकालकर लोगों का जीत दर्ज कराने के लिए आभार भी व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने विजय रैली के दौरान जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने दावा किया है कि उनके क्षेत्र में जो भी विकास कार्य और होने हैं उन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा और जल्द से जल्द विकास कार्यों को धरातल पर भी उतारा जाएगा। तो ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने विजय रैली निकाली है। चौथी बार जीत कर प्रेमचंद अग्रवाल ने इतिहास रच दिया है। साथ ही साथ उन्होंने जनता का आभार जताया और अपने प्रतिद्वंदियों को 19,000 से ज़्यादा मतों से शिकस्त दी है। इसके अलावा उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी विकास कार्य बचे हैं वो अब तेजी के साथ पूरे किए जाएंगे। ने कहा ना, कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बार गजब का उत्साह था। कल जब मैं अपना विजय श्री मुझे जब मिली सर्टिफिकेट मिला, अब आप देखिए कि रायपुर जहां से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मतगणना चल रही थी वहीं से हजारों लोग मेरे साथ थे। अब मैं रात को 3:30 बजे शुरू होता हूं चलना और 8:30-9 बजे घर पहुंचता हूं, यानी कि छोटी सी दूरी को 5-6 घंटे लगते हैं। जगह जगह हजारों हजारों कार्यकर्ता और उत्साह के साथ जिस प्रकार से उन्होंने प्यार दिखाया, उत्साह दिखाया, और मैं तो बल्कि बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं था, लेकिन आज हमारे ऋषिकेश के तमाम कार्यकर्ताओं ने अभी धन्यवाद के लिए एक कार्यक्रम रखा है। मैं उनका भी धन्यवाद पहले से ही कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी सुन रहा हूँ कि बहुत भीड़ है, और उस नाते जनता का जो मेरी ऋषिकेश की नगर की जनता, उनका भी धन्यवाद करूँगा। जहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल ने चौथी बार जीत दर्ज की है और इस जीत को ऐतिहासिक भी बनाया है। ऋषिकेश में नरेंद्र नगर विधानसभा सीट पर दोबारा से जीत हासिल करने वाले कृषि मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी सुबोध उनियाल की जीत से कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त करने के लिए सुबोध उनियाल जैसे ही अपने क्षेत्र मुनि की रेती पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने जमकर फूलमाला से सुबोध उनियाल का स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता नाचते हुए भी दिखाई दिए। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गुलाल लगाने का सिलसिला भी चलता हुआ दिखाई दिया। मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों के बलबूते ही जनता ने उनको दोबारा से सेवा का मौका दिया है। इस बार भी सरकार की ओर से जो भी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जाएंगी उस पर वो खरा उतरेंगे और जनता से चुनाव के दौरान जो भी वायदे उन्होंने किए हैं उसे वो पूरा करेंगे।